हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल. गाइस, मैं आज बना रही हूँ मूंग के पकौड़े और इसकी कढ़ी. तो मैंने ये मूंग दाल सुबह भिगा ली थी और अभी ये दिन के समय में इसको पीस रही हूँ. 4 घंटे में भीग जाती है. तो इसमें मैंने मिर्ची, 4 मिर्ची, नमक और हल्दी ये सब ऐड किया है. मैं इसके साथ ही इसको पीस लूँगी. इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, हल्का सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये पिस जाए अच्छे से. और साथ में हींग भी ऐड कर दूँगी. एक टुकड़ा अदरक भी इसमें डाल देंगे और इसको हम लोग बारीक सा पीस लेंगे. तो गाइस, ये मेरा पिस चुका था. मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था. अभी ये मैं चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े बना लूँगी, इसके बड़े पकौड़े कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो आपके वहाँ बोलते हैं. तो इसको हम बड़े भी बोलते हैं और पकौड़े भी बोलते हैं. तो ये मैं ऑयल में डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे आप लोग देख सकते हैं. तो गाइस, ये देखिए, मेरा एक साइड से ये हो चुका है. मैं इसको आराम से पलट लूँगी दूसरे साइड. ये टूटते नहीं है, इसको आराम से आप कर सकते हो. तो आराम से इसको पलट लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से होने देंगे. ये देखिए, मेरा दोनों तरफ से हो चुके हैं ये अच्छे से. मैं थोड़ा सा इसको हिलाते रहूँगी और जल्दी से बन जाते हैं ये. बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और हेल्थी भी होते हैं. तो आप लोग भी ऐसे बना के देखना एक बार और मुझे कमेंट ज़रूर करना गाइज, आपको कैसा लगती है मेरी ये रेसिपी. तो ये हमारे देखो एक बन चुके हैं. अब मैं इनको निकाल दूँगी. तो गाइज, इसी तरह मैं अपने सारी मूंग दाल वड़ी बना लूँगी. ये देखिए गाइज, कैसे लग रहे हैं, दिखने में बहुत अच्छी है ना. तो ये देखिए, ये सब मेरी बन चुकी हैं और थोड़ा बन चुकी है, थोड़ा मैं बना रही हूँ. इस ये जो मंगोड़ियाँ होती हैं, बड़ी होती हैं, यानी कि पकौड़ी जो भी आप बोलेंगे वो होती है. आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसकी कढ़ी भी बना सकते हैं. तो हमने थोड़ा ऐसे खाए और थोड़ा कढ़ी बनाई. कढ़ी भी बहुत टेस्टी होती है इसकी. आप लोग चाहें तो लहसुन प्याज भी इसके इसमें यूज कर सकते हैं. और मैंने ये सब निकाल दूंगी और जो मेरा एक्स्ट्रा ऑयल होएगा मैं उसको भी निकाल दूंगी और इसमें थोड़ा सा ऑयल बचा लूंगी ताकि उससे मेरी कढ़ी बन जाए. तो मैं ये थोड़ा ये ऑयल इतना ज़्यादा है ना गाइस, तो थोड़ा सा निकाल लूँगी, बहुत कम ही चाहिए. तो इतना ऑयल निकालने के बाद इसमें मैंने जीरा, हींग और राई ऐड कर दिया था. और उसके बाद इसको अच्छे से होने दूँगी. गैस बंद कर दिया था क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो चुका था. तो गाइस, मैंने ना ये टमाटर पीस लिए 4 दाने और इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है. और इसमें थोड़ा सा मूंग का जो पेस्ट था वो भी बचा हुआ था, तो थोड़ा उससे और हमारे गाढ़ापन आ जाएगा कढ़ी में, इसलिए मैंने वो भी इसमें रखा है. तो ये जैसे ही मेरा तड़कने लग गया था, उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्ची जो होती है अखा वाली बड़ी, वो साबुत वाली, वो डाल दी है. और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी कड़ी पत्ता. कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी आधा चम्मच. और जैसे ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर को होने देंगे, उसके बाद 1 चम्मच या आप जितना तीखा खाना चाहो उतना लाल मिर्ची पाउडर. मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है. और उसके बाद जो मेरा टमाटर का पेस्ट था और इसमें मैंने मूंग का और ये जो भी पेस्ट था इसमें मैंने ऐड कर दिया है. इसमें धनिया, टमाटर और अदरक, इसका पेस्ट था तो इसको मैंने ऐड कर दिया है. इसको पकने देंगे अच्छे से. टमाटर को जैसे पकने देते हैं मसाले के साथ, वैसे अच्छे से पकने दूंगी इसको 5 मिनट के लिए. हिलाते रहेंगे बीच बीच में. तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है. अब मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दूंगी, मुझे जितना चाहिए. तो आप भी ऐसे ही ऐड करना पानी, आपको जितना चाहिए होगा होगा.
पानी ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा इसको खौलने देंगे, तो इसको जब ये पक जाए इसमें पानी हम अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, और उसके बाद फिर इसको थोड़ा पकने देंगे। जब दो एक दो उबाल आ जाएंगे उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैं वो जो मैंने मूंग दाल की बड़ी बनाई है वो ऐड कर दूंगी। ये देखिएगा इस मूंग ऐड करने के बाद इसमें हरा धनिया डाल दिया है, तो कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी खा लीजिए, मेरी प्लेट बहुत टेस्टी बना है। इसको राइस के साथ खाएंगे, जीरा राइस के साथ, आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी भी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, और मेरे अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।